इमरान हाशमी को जो है सो बॉलीवुड का चुंबन देवता कहा जाता है। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग पर। आज के इस व्लॉग में आपको कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पर एक्सप्लोर करके बताऊंगा और यहाँ पर आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है, टिकट प्राइस वगैरह सब डिटेल इस वीडियो में आपको फुल मिलने वाली है, तो वीडियो को देखना एंड तक। गाइस आसू भाई भी हमारे साथ आने वाले हैं आज के व्लॉग में, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। ये देखिए आसू भाई आ रहे हैं अपने। हेलो गाइस, और बढ़िया कैसे आ रहे हो आप? घूमते घामते आज आधी रास्ते में याद आई कि पर्स छूट गई है। ओ तो आसू भाई की मर गया हूं पूरा, डेट लतीफी की वजह से हमें इतना टाइम हो गया है। ये देखो पसीना पसीना हो गया आसू भाई, पूरा पसीना। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर कुतुब मीनार का गेट है इस तरफ उधर। तो गाइज कुतुब मीनार पर आने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन भी कुतुब मीनार का ही रहने वाला है, जो कि येलो लाइन पर लोकेटेड है। इधर अपना बैग जमा होता है इस साइड में, यहाँ पे गिम्बल है ना यहाँ भी। तो भाई अपनी एंट्री होने वाली है अब, ये देखे यहाँ से एंटर होंगे हम। बैग तो जमा करा दिया है लेकिन पावर बैंक और चार्जर ले लिया है क्योंकि बैटरी का इशू रहता है इस वजह से। ये देखे यहाँ पर एंट्री होगी। ये गाइज हम लोग एंटर हो चुके हैं, आशुतोष की जो वो है क्या बोलते हैं सेल्फी स्टिक आज फिर से रख लिया है यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पे। क्या हो रहा है आशुतोष भाई, ये पता नहीं ब्लॉगर्स के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, ये कुछ कह नहीं सकते। बार बार आपकी ये रख लेते हैं ये सेल्फी स्टिक, पुराना किला पे भी गए थे वहाँ पे भी आपकी स्टिक रख ली चेक करें। तो चलिए चलते हैं अब अंदर की ओर। ये देखिए यहीं से नज़र आ रहा है हमें कुतुब मीनार का सीन। ये बोतल भी एक आज के ब्लॉग को यहीं स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मौसम भी आज ठीक ठाक ही है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है आज, दिन में कुछ ठंड था बट अभी थोड़ा गर्म हो गया। गाइज हम लोग एंटर हो गए हैं वहाँ से, हमारी एंट्री हुई थी इधर से और यहाँ से अपनी एंट्री होने वाली है इधर से। गिम्बल सीज कर लिया गया है और गाइज यहाँ पर जो है सेल्फी स्टिक भी अलाउड नहीं है अंदर लाने के लिए, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इधर से एंट्री है तो ये देखिए इधर से अपनी इधर से एंट्री हो जाती है, इधर से शुरू इस तरीके से। ये देखिए इधर से ये देख सकते हैं आप लोग, इधर मैप बनाया हुआ है यहाँ पर उन्होंने। तो यहाँ पर क्या क्या मोन्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए काफ़ी सारे मोन्यूमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए आयरन पिलर भी है यहाँ, इल्तुतमिश टॉम भी है, अलाई दरवाज़ा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इन सब चीज़ों को। भाई जैसे आप एंटर करेंगे आपको इधर देखने को मिलेगा आपको कुतुब मीनार और मॉस्क भी है यहाँ पर, एक मस्जिद भी है। तो आप लोग इधर से जो है हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए तो इधर से देखिए दोस्तों कुतुब मीनार का नज़ारा आपको दिखाते हैं। इधर से जो है सूरज की जो है रोशनी पड़ रही है, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, दूसरी साइड से जाकर दिखाएंगे तो कुछ क्लियरिटी आएगी यहाँ पर वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ग्रीन एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा। ये देखिए हम लोग इधर से एंटर कर रहे हैं, इधर ये होगी आपकी कुतुब मीनार, बाद में देखेंगे इसे नज़दीक से, पहले इधर से जाते हैं अपन। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर पहले यहाँ का नज़ारा देखते हैं हम। ये आप लोग देख सकते हैं इधर आपको गार्डन मिल जाएगा बहुत ही अच्छा घूमने के लिए। ये देखिए गार्डन्स में भी जो है एंट्री वगैरह अलाउड होती है, तो आप यहाँ पर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गाइस बहुत सी जगह जो है गार्डन्स में एंट्री नहीं होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, गार्डन में एंट्री अलाउड है और आराम से बैठ सकते हैं घूम सकते हैं। बहुत सी जगह जो है आपको
अलाउड नहीं होता है गार्डन में एंटर करना, जैसे कि लोटस टेम्पल में वहाँ पे अलाउड नहीं था। तो ये देखिए आप मेरे सामने, ये क्या है ये वाला मोन्यूमेंट, ये है आपको इमाम जामिन का मकबरा। दोबारा से बताइए एक बार, ये जो आप देख रहे हैं मकबरा, इसका नाम है इमाम जामिन का मकबरा। जी, तो कोई सूफी संत वगैरह होंगे ये? हाँ वही लग रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को अंदर जाके भी दिखाऊंगा कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अंदर में दिया गया है, अंदर क्या क्या है देखते हैं जाकर, अंदर चल के भी देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से इसकी एंट्री होती है, ये देखिए कुछ इस तरह का है यहाँ पर। ये देखिए ये कब्र वगैरह ही होती है टॉम में, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो चलिए, और इधर ये आ गया है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा ये आ गया है यहाँ पर अलाई दरवाज़ा, ये आपको अलाई दरवाज़े का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कितना गहरा है यहाँ से ये, और एक पुल सा बना हुआ है अंदर जाने के लिए। देखिए दोस्तों कितना सुंदर यहाँ पर नक्काशी की गई है। अंग्रेजों के जमाने में जो यह बनाया गया था, ये देखिए क्या शानदार सीन है यहाँ पर। तो गाइस हम लोग अलाई दरवाजे का सीन दिखाते हैं आपको, पीछे कुतुब मीनार का मनमोहक दृश्य है, और ये अलाई दरवाजा है। तो यहाँ से काफी ज्यादा पूरी माँ बहन कर दी वीडियो ब्लॉग की ऐसी तैसी कर दी है इन्होंने, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कुछ। तो आसू भाई का शुरू से ही मूड खराब है आज एंट्री के, मूड ही नहीं है जो ब्लॉग बनाऊं मैं, क्योंकि मैं इतना चल के आया हूं कि थक चुका हूं पूरी तरीके। पहले ही एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है, ऊपर से फिर यहां पर सेल्फी स्टिक बना कर दी थी। हां प्लस यहां पे जो है सो मैं शूट करने आया तो यहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बताओ यार आज परेशानी है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा इधर आते हैं। इधर की हरियाली देखकर शायद आपका कुछ मूड ठीक हो। हाँ हो सकता है। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। आपका तो मोबाइल में ठीक भी आ रहा है, मेरा इतना ब्राइटनेस है ना मत पूछिए। तो गाइस इधर से आप लोग सीन देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह का सीन है आपके पास यहाँ पर देखने के लिए। ऊपर जाते हैं ये देखिए, और ये रहा कुतुब मीनार आपका, और ये अलाई दरवाज़ा है तो देख सकते हैं। और दोस्तों ये वही सीन तो है, अभी चढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस ये जो आप सीन देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, आप सीन देख रहे हैं यहाँ पर एक मूवी है इमरान हाशमी की मूवी है, जो उसमें एक सॉन्ग आता है, तो सॉन्ग का नाम है शायद तू ही मेरा, पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उस सॉन्ग में जो है ना यही वाला सीन है। आपको मैं उस सॉन्ग की छोटी सी क्लिप भी दिखा देता हूँ। तो उस में जो शूटिंग हो रही है, इमरान हाशमी जो एक्टर हैं उन्होंने यहाँ से सीन लिया हुआ है इस वाले से, बिल्कुल
इमरान हाशमी का। चुंबन देवता वो हमारे कहलाते हैं। इमरान हाशमी को जो है सो बॉलीवुड का चुंबन देवता कहा जाता है। तो उनका ये आप लोगों ने सुना भी होगा कपिल शर्मा के शो में, वो चुंबन देवता के नाम से ही फेमस भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सीन यहीं पे दर्शाया गया था उस मूवी का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खलजी टॉम, खलजी मदरसा, मदरसा और मकबरा दोनों हैं आगे की ओर। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा पिक्स वगैरह खींची जा रही है। ये देख के और सनी भाई मैं एक बात बताना भी चाहूंगा। बताओ बताओ। जैसे कि पुराना किला में आप लोग हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जो है सो कई सारे कपल्स मिलते हैं। हाँ। हालांकि सेम नजारा हर जगह पे है, होता है 90% मिलेगा देखने को। 80% नजारा तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, 20% तो फैमिली वाले हैं, बाकी जो है 80%। लेकिन यहाँ का रेशो थोड़ा कम है वहाँ के मुकाबले। नहीं मुझे लग रहा है ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरा घूमा नहीं है, पूरा डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर करते हैं कि क्या क्या मिलेगी नई नई चीज़ें अतरंगी। चलो देखते हैं धीरे धीरे क्या मिलता है क्या नहीं। और आपको पता है आसू भाई इसमें एंट्री बंद क्यों हुई थी कुतुब मीनार में जाने के लिए? अंदर एंट्री बंद है ना, अंदर नहीं जा सकते अब। पहले अलाउड था इसमें जाना। अच्छा, इसके अंदर अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ घटना हो गई थी एक ऐसी। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे जो है मारे गए थे उसमें, भगदड़ मच गई थी ऊपर से, तो इस वजह से जो है चढ़ सकते हैं क्या? ऊपर पहले जा सकते थे, अंदर जीना है, अंदर स्टेयर्स काफ़ी संकरी है एरिया अंदर, तो वहाँ से पहले बच्चे चढ़कर जा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो एक घटना हो गई थी। कब की बात होगी? कई साल हो गए इसमें, तो कम से कम 20 से ज़्यादा हो गए होंगे साल, तो अभी मुझे ध्यान नहीं है। तो उसी के बाद जो है यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं एंट्री बंद हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा पुराने किला में जो हम लोग ब्लॉग बनाए थे, और वहाँ पे जो आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे कपल्स वगैरह होते हैं, तो आपको जो है सो जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस हैं यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया। ये देखिए यहाँ पर जो है पिक्स वगैरह लेते हुए बच्चे, और ये देखिए ऐसा दिखता है आपको हर जगह मिलेगा, बेहतरीन नज़ारा है यहाँ। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ हरियाली नज़र आ रही है दोनों ही प्रकार की। यस यस यस। यहाँ पर आपको जो है वासु भाई क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत जो है सो क्लीन इन्वायरमेंट है, एकदम स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा आपको देखने का, जिससे कि आपका मन मन जो है सो प्रफुल्लित हो उठेगा। प्राकृतिक सौंदर्य भी है और वैसा भी, तो दोनों तरह का सौंदर्य मिलेगा आपको। दोनों मिलेंगे। तो अब कुछ आपका माइंड ठीक हुआ है वहाँ से यहाँ पर? हाँ, कुछ रिलैक्स लग रहा है अभी। रिलैक्स लग रहा है और धीरे धीरे और रिलैक्स हो जाता है अभी। आगे चलते हैं और मैं आपको जो है तो कुछ कोशिश करूंगा कि कुछ टूरिस्ट जो हैं उनसे बात करने की इच्छा है आज आसू भाई की। हाँ, उनका फीडबैक लूंगा जो यहाँ पे जो फॉरनर्स आए हुए हैं जो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वो लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, इंडियन हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में। चलो उनसे भी बातचीत कर लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर बहुत सारे फोटो शूट चल रहे हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी पिक्स आती है यहाँ, ऊपर चढ़ चढ़ के भी पिक्स ली जाती है अच्छी अच्छी। क्लिप शेयर कर दीजिएगा, छोटे छोटे क्लिप्स आसू भाई को भी देने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का सीन है, यहाँ पर बहुत सारे। इसका क्या नाम था? किसका? वो जो जगह थी आज अब रहते तो शायद वो है खिलजी, खलजी का मकबरा। खलजी का मकबरा
ये देखिए कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ पर आपको कपल्स भी मिल जाएंगे देखने के लिए, ये देखिए इधर से भी। ये देखिए बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं यहाँ। ये देखिए यहाँ पर है मकबरा, कब्र है कब्र। ये देखिए पता नहीं किसकी कब्र है ये। थोड़ा ऊपर करो ऊपर, हाँ अब आएगा। ये देखिए आसू भाई को थोड़े से व्लॉगिंग की टिप्स दे रहा हूँ मैं। अच्छा करो करो करो, आ रहा है नीचे करो नीचे, अब आ रहा है सही, अब आ रहा है। नहीं ऐसे में मेरा पूरा सब बेकार हो जाएगा, चलो वन पे करो। मैं वो दिया हुआ है। अच्छा अच्छा आपने वो वाइड एंगल दिया, मेरे में नहीं। आपके में वाइड एंगल नहीं है क्या? नहीं मेरे में वाइड एंगल नहीं है भैया, वाइड एंगल के बिना तो वो लोग मस्त नहीं बनता है। वो चलते हैं इधर की ओर, इधर देखते हैं यहाँ पर क्या है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इधर से बहुत ही अच्छा सीन आ रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ का नज़ारा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के अवशेष पाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी पिक्स काफ़ी अच्छी आती है। ये देखिए आगे से बंद है ये एरिया। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े और मज़बूत पत्थर लगाए गए हैं इन पर। ये देखिए अपने आंसू भाई भी लगे हुए हैं व्लॉगिंग में। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से कुतुब मीनार का आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा इस साइड से। ये देखिए कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पर, इस तरह का नज़ारा है। ये देखिए बीच में जो है एक नहर सी छोड़ी गई है यहाँ पर, देखिए शायद इसमें पुराने ज़माने में पानी भरा जाता होगा एसिड वगैरह, जिससे कि अंदर एंट्री ना हो। ये देखिए तो मीनार के चारों तरफ से है ये। अब तो हमें छोड़ के चले गए, तो लॉगिंग करते करते मैं कितनी दूर निकल गया पता ही नहीं। मैं तो उधर से आया हूँ वापस। तो क्राउड भी काफी अच्छा है आज तो। चलिए इधर देखते हैं कि इधर भी क्या क्या है। चलिए इस साइड चलते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप व्लॉग्स में, आपको दिखाते हैं इस व्लॉग में पूरा एरिया कवर करने वाले हैं आज हम। ये देखिए खलजीज मदरसा भी है इधर, इधर खलजीज टोम है इस साइड में। इस टाइम में आप इस साइड में आपको खलजीज टोम देखने को मिल जाता है।
तो इस साइड तो मस्जिद है आपको देखने को मिलेगी उस साइड, और इस साइड आपको टोम देखने को मिलता है। ये क्या है? ये यहाँ पे आयरन पिलर है इधर। अभी आपको उधर से जाने गए ना, उस साइड से जाके लोहे से बनी हुई है क्या? ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था लोहे का, इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। इसकी जो खास बात है तो दोस्तों, इसकी आयरन पिलर की यही खास बात है कि इसमें जो है अब तक भी जंग नहीं पड़ा है इस पर। ओके, आमतौर पर जो है लोहे की चीजों पर आप लोगों को आगे दिखाता हूं जंग लग जाता है। तो आसु भाई यहाँ पर जो है इनकी पिक ले लेंगे। आसु भाई अच्छी से लेना पिक्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये है आयरन पिलर। ये जो आयरन पिलर है इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अंग्रेजों के समय से ये बना हुआ है, ये इसकी खास बात है। और ये देखिए कुतुब मीनार, क्या शानदार व्यू आ रहा है इसका, कुतुब मीनार का बहुत ही शानदार। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। आसु भाई हम लोग बनाते हैं भाई ब्लॉग। तो गाइस अब चलते हैं आयरन पिलर की तरफ, इधर से जाएंगे। इधर यहाँ पर आपको खलजीज टोम यानी कि खिलजी का मकबरा देखने को मिल जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं खिलजी स्टोम। और यहाँ पर कुछ फॉरनर्स भी आए हुए हैं, ये देखिए इस तरह से कुछ फॉरनर्स भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको खिलजी स्टोम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अंदर मत जा। ओनर्स से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। तो गाइस ये देखिए कुतुब मीनार वर्ल्ड हेरिटेज है, इसलिए दूर दूर से देश से कोने कोने से यहाँ पर, विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, इल्तुतमिस का मकबरा। सही आ रहा है आप, सही आ रहा है। तो ये इल्तुतमिस का मकबरा आ गया है यहाँ। तो आइए देखते हैं, ये है इल्तुतमिस का मकबरा। कुछ इस तरीके से बनाया गया है इसको। और इधर से देखिए कुछ इस तरह का सीन है इधर से नजारा। तो गाइस अगर आप यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर शाम 5 बजे तक लास्ट एंट्री होती है यहाँ पर, तो उससे पहले ही आपको आना होगा। और ये देखिए इस साइड किस कुछ लिखा हुआ है उर्दू में भी, इधर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर जो है उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो है स्टोन से बने हुए कुछ इस तरह के दिखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं इन पर, ये देखिए जैसे ये भाई बैठे हुए हैं इधर। और इधर से एंट्री करते हैं हम आयरन पिलर की तरफ। आसु भाई आ जाओ, आ जाओ, आयरन पिलर है इधर, आयरन पिलर।
ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं आयरन पिलर का नज़ारा। ये देखिए ये है आयरन पिलर, ये देखिए। दोस्तों ये है आयरन पिलर, ये देखिए यहाँ पर जो है फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा क्राउड है, यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक आई हुई है आज, और छुट्टी का दिन भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना क्राउड है। आज ट्यूसडे का दिन है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है हफ्तों के सातों दिन खुला रहता है कुतुब मीनार, और कोई भी हॉलीडे नहीं है यहाँ पर। और जो यहाँ का ओपनिंग टाइम है वो है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, इसके बीच आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और आइए एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही अच्छी जगह है ये। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, ये देखिए कैसा लग रहा है भाई। कैमरा छोड़ा है लेकिन क्वालिटी अच्छी आ रही है। तो गाइस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस पर, इस तरह से पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये, लेकिन कुछ लिखा हुआ है इस पर। सो पर हमारी समझ से बाहर है, ये लैंग्वेज कुछ अलग है, ये इसके बारे में पता नहीं लग पाया कुछ। आजू भाई क्या कहना है इसके बारे में? क्या कहूँगा, मैंने तो सोचा था कि ये आयरन पिलर जो है सो ये है, जब मैं अंदर है कौन सा मुझे ये दीवार लग रहा है, इसी को कहते हैं आयरन पिलर। नहीं 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 नहीं, जब ये मैंने अंदर आया तब पता चला ये है, ये है आयरन पिलर लोहे का। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, जो टूरिस्ट आते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता है उनके लिए यहाँ पे गाइडर भी है, गाइड भी अवेलेबल है, लेकिन गाइड का चार्ज लगता है, फ्री में नहीं है गाइड्स। तो फॉरेनर आते हैं तो पैसों की तो दिक्कत नहीं मानते बिल्कुल, वो गाइडेंस वगैरह पूरी लेकर जाते हैं गाइड, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग इन्वेस्ट कहाँ करें तो इसी सब पे करते हैं। तो भाई मैंने देखा है फॉरेनर्स जो होते हैं वो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा वो मतलब अहमियत देते हैं, जबकि हमारे तवज्जो जो हमारे इंडियंस हैं करता है। बिल्कुल, हमारा काम है अप्रोच करना। एक कहावत भी है, हालांकि वो थोड़ी गंदी है तो मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि कहावत है वो बताऊँ चलो कह दूँ भाई, थोड़ा सा फैमिली टाइप का है आज का व्लॉग, तो थोड़ा करोगे तब बताऊँगा। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको ये जो दीवार पे पेंटिंग्स टाइप में बनी हुई है ये आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह का है ये, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह की नक्काशी की गई है, ये देखिए ये देखिए। नेक्स्ट पिलर की दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये देखिए। ये देखिए सभी पिलर्स पे आपको इस तरह की जो है कटिंग मिलेगी, सभी पिलर्स पे आपको। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए आप लोग,
गाइड कर रहा है। यहाँ पे फोटो देखो ना, तू क्यों अच्छा है। अरे वाह क्या सीन है। ओ नो, नीचे देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या सीन है यहाँ पर। ये देखिए दोनों तरह की प्रकृति आपको देखने को मिलेगी, वैसी भी और वैसी भी। ये देखिए यही हैं वो फॉरेनर जिन्होंने हमें इनकार किया था बात करने से। अच्छा, इनकी अच्छी तरह से खबर ली जाएगी। गाइस मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो पिलर पे एक लड़की खड़ी है, इस पिलर पे। अच्छा नहीं, इस पिलर पे। अच्छा, तो जब इन्होंने भाई ने ब्लॉग स्टार्ट किया तो वो लड़की जो है तो पीछे पिलर के पीछे छुप गई। पता नहीं क्या कैमरा फोबिया होगा इनको। यस भाई, हमें लो कैमरे में इतना लेना है। हाँ भाई, हम लोगों को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कैमरा फोबिया से भी अलग प्रकार लोग जो है धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। शुरू शुरू में मुझे भी एजिटेशन बहुत ज्यादा था, और आसू भाई को भी। दीपक भाई की तो ब्लॉग की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, हम लोग यूज कर रहे हैं ये रियलमी 5S। भाई हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा, सनी भाई का जो है सो ब्लॉग का क्वालिटी कुछ अच्छा आ रहा है। मैं भी इम्प्रूव करूंगा धीरे धीरे, देखते हैं। धीरे धीरे हमको भी दिलवाएंगे चोर बाजार से। चोर बाजार से आपने दिया? आईफोन दिलाएंगे आपने चोर बाजार से? कितने की पड़ी थी? 10,000। अरे वाह। यहाँ पे फोटो लेते हैं गाइस, अब चलते हैं इस साइड में। हमारा ये वाला पार्ट रह गया है इसका, ये देखिए वो वाला, ये पेड़ के पीछे छिप गया, ये वाला पार्ट रहता है अभी, ये वाला। तो चले चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसके बारे में। हम लोगों ने कुछ थोड़ा फोटो वगैरह ले लिया है, और मैं कुछ पार्ट बची हुई है कुछ मीनार के अंदर का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इन्होंने नक्काशी किया हुआ है, बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। आज की लाइफ में भी पॉसिबल है, बट इतना दिन बहुत ही सुंदर बनाए गए थे मुगलों के द्वारा। कुछ करता है तो उसके ऊपर जज करना शुरू कर देते हैं कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए, फिलहाल मैं भी अभी ब्लॉग बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर कुछ लोग जलने वाले जरूर हैं। हम लोग खड़े हैं अभी इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर, यहाँ से हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अब इस वाले इमारत को भी हम लोग नमूने को देखना, इसको कवर करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर वॉशरूम की भी फैसिलिटी है अगर सीधा जाएगी आप। और ये है अलाई मीनार इस साइड में, और कुवत उल इस्लाम मोस्क। आयरन पिलर तो हमने आपको दिखा दिया है, कुवत उल इस्लाम मोस्क इस साइड है, इस साइड में यहाँ पर। और इस साइड हम जाने वाले हैं अलाई मीनार पर। तो ये देखिए अलाई मीनार की तरफ जा रहे हैं आप, ये देखिए। तो सामने बढ़िया आएगा यहाँ पर अलाई मीनार पर। तो आसू भाई, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो चुका है? मेरा जो है सो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी थोड़े इंक्रीज हो रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ आपकी ब्लॉग को कोई देखेंगे या हमारी ब्लॉग को भी कोई देखेंगे तो उसमें से जो है सो 10% लोग जलने वाले होते ही हैं। और वो जलने वाले लोग कौन होते हैं? तो अपने ही होते हैं, क्योंकि कहा जाता है अपने तो अपने होते हैं, बट वो नहीं होता है, अपने पराए होते हैं। और ये सपोर्ट नहीं का नियम है, सपोर्ट नहीं करते अपने आदमी, बाहर वाला बंदा कर देगा एक बार सपोर्ट। तो गाइस अब आपको अलाई मीनार के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए आप पढ़ लेना अपने आप, ही स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये देखिए कितनी ही बहुत ही विचित्र तरह की लग रही है, अलग ही लग रही है बिल्कुल ये, क्योंकि इस टाइप का मोन्यूमेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए 1311 में इसका निर्माण हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, तो गाइस अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से ही हम आपको दिखा देते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मतलब ऐसे लोग इंडिया में नहीं हैं, यदि आप अच्छा करते हो तो आप जो है ये देखिए बताते हैं आपको बारे में।
ये देखिए कुछ इस तरह का है ये देखिए। ये देखिए गाइस आपको यहाँ पर एयरोप्लेन्स भी उड़ते हुए बहुत ही नज़दीक से उड़ते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पास में ही जो रूट ये जा रहा है एयरलाइंस का, इस वजह से यहाँ पर आपको एयरप्लेन्स भी बहुत ही नज़दीक से देखने को मिल जाते हैं। बस घूम रहे हैं अभी, तो देख के पाकी बनाते हैं। तो आसू भाई को कम से कम 15 से 20 जनों के फोटो खींच चुके हैं यहाँ पर आज। ये आसू भाई कितना फोटो, कितना चार्ज? मैं फोटो खींच खींच के लोगों का परेशान हो चुका हूँ। कितना चार्ज ले रहे हो एक फोटो का, क्या ले रहे हो आप खींचने का? एक फोटो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में ले रहा हूँ। मैं मना नहीं करना चाहता लोगों को, बट फिर भी क्या करूँ। थैंक यू तो बोल दो यार भाई को। कोई बात नहीं भाई, मैं आपका हेल्प करूंगा, आप भी किसी का हेल्प कर देना, बस हो गया। स्टार्ट है, कट कर लेना। वो देखिए गाइस, दीपक जी सनी भाई जो है सो अपना पोजीशन का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग जो है सारा कुछ घूम चुके हैं यहाँ पर कुतुब मीनार में, और हमने आपको बता भी दिया है, सारा कुछ एक्सप्लोर कर दिया है और डिटेल्स भी आपको। और ये आसू भाई का भी ब्लॉगिंग का चैनल है, इनके चैनल को भी सपोर्ट करें आप। हमारे चैनल पे जो है सो आप लोग सर्च मार, चैनल का नाम बताइए पहले आप। चैनल पे चैनल का जो नाम है उस पर आप सर्च बार में जाइएगा और लिखिएगा जी आशुतोष जी, उसमें नंबर वन में मेरा ही आएगा। और भाई के चैनल का जो है लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो भाई को भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में अगले में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम। तो गाइज आप लोग ऑनलाइन टिकट यहाँ से भी कर सकते हैं, इसे स्कैन कर लीजिए। और आसू भाई ने अपनी स्टिक ले ली है। तो गाइज ये जो सीज कर लिया गया था तो अलाउ कर दिया जाने को, ये माल जो है अभी स्फोटक माल सीज कर लिया गया था आसू भाई का। अंदर जो है सो अलाउ है, बट पता नहीं क्यों हम लोगों से, पता नहीं हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, अत्याचार कर लिया जाता है, पता नहीं हमारे साथ ही क्यों होता है। वहाँ पर कई लेडीज थी, वो ले हुए थी सेल्फी, हो सकता है पर्स में ले गई हूँ। इस दुनिया में जो है सो लड़कों के साथ ही भेदभाव, पता नहीं लड़कों के साथ ही भेदभाव किया जाता है बिल्कुल, ये हालांकि नहीं होनी चाहिए। इसकी आवाज़ उठाएंगे आप लोग, आवाज़ उठाइए बिल्कुल।